नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। टीएमसी नेता जयप्रकाश मजमूदार ने भाजपा पर कसा तंज, बोले भाजपा नेता बंगाल आते हैं और केवल दिखावा करते हैं। पहलवानों का धरना रात 1 बजे खत्म, अनुराग ठाकुर बोले ब्रजभूषण सिंह फेडरेशन का काम नहीं देखेंगे। कर्नाटक बीजेपी नेता प्रवीण नेतारू मर्डर केस में एनआईए की कार्रवाई, पीएफआई के 20 सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। कश्मीर हिमाचल में बर्फबारी, दिल्ली में पारा 10.6 डिग्री, सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा, कश्मीर में 30 जनवरी तक चलेगा बर्फबारी का दौर। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कवासी लखमा का चैलेंज, बोले राज्य में धर्मांतरण नहीं हो रहा है, साबित किया तो राजनीति छोड़ दूंगा। अमेठी में निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान युवक की हुई मौत, परिजनों ने हॉस्पिटल के बाहर जमकर काटा हंगामा। बुलंदशहर में मां ने बच्ची के शव को फेंका, नवजात बच्ची के लावारिस शव को हिंदू संगठन के लोगों ने विधिक विधान साथ दफनाया। गाजीपुर में 23 जनवरी को कोर्ट में नहीं पेश होगा मुख्तार अंसारी, हाईकोर्ट ने मुकदमे के ट्रायल पर लगाई रोक। कानपुर में संकट मोचन, हनुमान मंदिर परिसर में लगे नीम पेड़ के नीचे से अचानक निकलने लगी थी आग, जानकारी मिलते ही देखने पहुंचे श्रद्धालु। बुलंदशहर में एक बार फिर कोहरे ने बढ़ाई परेशानी, कोहरे की धुंधली चादर में ढका, विजिबिलिटी भी हुई कम, सामान्य से बेहद कम हुई विजिबिलिटी। क्रिस हिमकिस बने न्यूजीलैंड के अगले प्रधानमंत्री, कोरोना में अच्छा काम कर पहचान बनाई, अब जैसिंडा अर्डन की जगह लेंगे। ब्रिटिश पीएम पर $620 का जुर्माना, चलती कार में सीट बेल्ट नहीं लगाया था, 2 दिन पहले मांगी थी माफी। यूएस यूके के हथियारों के लिए टेस्टिंग लैब बना रहा यूक्रेन, पहली बार कई हथियार इस युद्ध में सीधे इस्तेमाल हो रहे हैं। कई देशों की स्वास्थ्य व्यवस्था ठप, ब्रिटेन में एम्बुलेंस का वेटिंग टाइम 90 मिनट, कनाडा में नर्सिंग स्टाफ तक नहीं। कैनेडा में पुराने स्कूल में 171 बच्चों की कब्र मिली, सभी मूल निवासियों के बच्चे, पिछले साल ऐसे मामले में पोप ने मांगी थी माफी। वेमेंस आईपीएल टीमों की होड़ में 30 कंपनियां, अडानी ग्रुप से लेकर हल्दीराम तक ने खरीदे टेंडर नाम का ऐलान 25 जनवरी को। रोनाल्डो के फैन हुए विराट कोहली, इंस्टाग्राम पर शेयर की स्टोरी, कहा 38 की उम्र में भी बड़ी टीमों को टक्कर दे रहे हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम की लगातार तीसरी जीत, साउथ अफ्रीका को तीसरे मैच में 4-0 से हराया, आखिरी मैच रविवार को। आईसीसी के साथ 20 करोड़ के ऑनलाइन धोखाधड़ी, 4 बार हो गया फ्रॉड, संस्था ने अब शुरू की जांच। भारत न्यूजीलैंड मैच के टिकटों की कालाबाजारी, 500 से 1000 वाली टिकटें 4200 से लेकर 6500 रुपए में मिल रही हैं। गांधी गोड़ से एक यूथ के स्क्रीनिंग के दौरान हंगामा, लोगों ने काले झंडे दिखा, गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। चंगेज खान की लव स्टोरी पर बनी जानलेवा फिल्म, 91 लोगों को हुआ कैंसर, हीरो हीरोइन और डायरेक्टर सहित 46 की जान इसी से गई। रवीना टंडन की बेटी राशा करने जा रही है बॉलीवुड में डेब्यू, अजय देवगन के भतीजे अमान के साथ एक्शन फिल्म में आएंगी नजर। द नाइट मैनेजर का ट्रेलर हुआ रिलीज, 17 फरवरी को ओटीटी पर स्ट्रीम होगी ये स्पाई थ्रिलर सीरीज।
शिल्पा शेट्टी ने गाड़ी में किया डांस, साउथ के सुपर हिट सॉन्ग टम टम पर दिखाए बेहतरीन डांस मूव्स। फिलहाल 5 मिनट की 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।